हाँ बच गया है। सो ये मैं भजन गा रहा था तो मुझे चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला का दूसरा अध्याय का कुछ श्लोक याद आ गया, तो वो उससे हम शुरू करते हैं। चैतन्य चरितामृत किसने लिखा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। उन्होंने उन्होंने क्या किया, आदि वो हर अध्याय का सार हर अध्याय के पहले श्लोक में लिखता है। तो एक बार चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया वो पागल हो जाएगा, ऐसा लिखा है कि केवल आप उसको उठा सकते हो, आप उसको रख नहीं सकते, ऐसा लिखा है। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है कृष्ण के लिए और जो भक्ति है व्रज प्रेम गोपियों के भाव में जो वो हमको सिखाने आए हैं, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कविता के रूप में लिखा है, वो है चैतन्य चैतामृत। और बहुत ही सिस्टमैटिक, हर एक अध्याय का पहला श्लोक उस अध्याय का सार है और बीच बीच में वो अलग अलग शास्त्रों में से भी वो श्लोक कोट करते हैं। और जैसे आदि लीला का पूरा समरी पहले अध्याय में है, मध्य लीला का पूरा समरी मध्य लीला के पहले अध्याय में है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिख रहे थे आज से 500 करीबन 450-500 साल पहले चैतन्य चरितामृत, जब उनका उम्र कितना था, 92, पता होना चाहिए, पता है, लेकिन प्रभु जी हम विनम्र है तो बोलते नहीं है। ओके, और उसमें क्या लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, बोलते हैं कि मेरी उम्र 92 साल है, मेरे को इन आंखों से दिखता नहीं, मेरा हाथ कांपता है और मेरे को अभी याद शक्ति भी कमजोर हो गई है, पता नहीं कि मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। और जब वो मध्य लीला पे पहुंचे तो उनको लगा कि शायद मैं जिंदा रहूं ना रहूं अंत्य लीला लिखने के लिए, जो कि मेन चीज है, जो गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु ने जो राधा रानी के प्रेम का आस्वादन किया, अरे वो तो लिखना पड़ेगा, तो वो अंत्य लीला है। लेकिन उनको लगा कि शायद मैं अगर चैतन्य महाप्रभु, हाँ मेरे को जी भर के, वहां पे लिखते हैं कि मेरे को अपना हृदय भर के मेरी इच्छा है कि मेरे को वो लिखना है, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु अगर मेरे को थोड़ा और जिंदगी दे दे तो उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, और जो भक्त बन चुके हैं और जो आगे वैष्णव बनने वाले हैं उन सब की प्रसन्नता के लिए मेरे को वो लिखना है। छोटा बड़ा भक्त गाना तासा बारा चराना, हालांकि जो भक्त मुझसे जूनियर भी है उनको भी मैं नतमस्तक होता हूं क्योंकि उनका आशीर्वाद से ही मैं ये लिख पा रहा हूं। और जो आगे ये चैतन्य चैतामृत पढ़ के जो भक्त बनेंगे, जिनका मैं शिक्षा गुरु बनूंगा क्योंकि वो ये पढ़ के भक्त बन रहे हैं, उनका भी चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे शक्ति दे कि मैं ये लिख सकूं। और तो इसलिए उन्होंने अंत्य लीला का जो समरी है वो उन्होंने मध्य लीला के दूसरे अध्याय में लिखा है और उसमें 95 श्लोक हैं। कभी भी ऐसा लगे कि मेरे को भक्ति में रस नहीं आ रहा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको अकेले में पढ़ना है, वो चैतन्य चैतामृत का दूसरा अध्याय मध्य लीला अकेले में पढ़ना है, आपके आंखों में से आंसू बह जाएंगे गारंटीड। वो ऐसा है कि पत्थर भी फटने लगेगा, तो मेरा तो हृदय पत्थर जैसा है, वो फटने लगता है वो। तो उसके मुझे कुछ 2-3 श्लोक बोलने हैं क्योंकि यहाँ पे वो प्रेम का बात आया ना, वो रूप गोस्वामी लिख के आप क्या भाव बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो भाव होता है श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण के लिए, तो वो तोमारा दर्शन वीने अधन्य ए रात्रि दीने ए काल ना जाय काटना, कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ
कहाँ गेले तो मा पाओ हाँ पोना देहो दर्शाना कि तुम्हारा दर्शन विने अधन्य ए रात्रि दिने, आपके दर्शन के बिना ये रात और दिन मजा आ रहा है। टीवी है ना, व्हाट्सएप है, और अच्छा खाने को है, अच्छा सोफा है, सब कुछ अधन्य है क्योंकि आपका दर्शन नहीं है। शून्यायतम जगत सर्वम पूरा, इफ आई सब्ट्रैक्ट यू देन एवरीथिंग इज जीरो। अगर आप नहीं हो तो सब कुछ क्या है, जीरो। और एक काल ना जाया काटान कि आपके विरह में आप मेरे आंखों के सामने नहीं हो तो ये काल जा, ये वक्त बीत नहीं रहा, क्या करूं, कहां जाऊं, किधर किधर आपको मैं किधर जाऊं तो मुझे आप मिल जाएंगे। हाय, इस दिन पे फिर कृपा करके मुझे आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे। और फिर क्या होता है, स्तंभ कंप प्रश्नी वेदा वैवर्ण्य अश्रु स्वर भेदा देह जाया भूला के व्यापीता हासे कांदे नाचे गाया उठी ती उती धाया कबे भूमे पाड़े मूर्छिता। इससे पहले क्या करते हैं कि श्रीमती राधा रानी के भाव में महाप्रभु श्रीमती राधा रानी कृष्ण को टॉन्ट लगाती हैं कि आप तो चीटर हो और आप तो सबके साथ छल करते हो, आपने तो बलि के साथ भी छल किया और आपने वाली के साथ भी छल किया और आपने हम सब साधारण स्त्रियों के साथ भी आपने छल किया। और ऐसे बोलते बोलते श्रीमती राधा रानी ने एक भंवरे को देखा और फिर उनको ऐसा लगा कि ये भंवरा कृष्ण का दूत है और ये सब जो मैं बोल रही हूं तो यही सुन के कृष्ण मुझको छोड़ के चले गए। तो फिर वो भंवरे को वो सुनाती है कि ये जो मैं बोल रही हूं ये ऐसा नहीं है, मेरे हृदय का क्या भाव है वो मैं बताती हूँ। फिर वो बोलते हैं, नयने अभिरामा तुम्हें मोरा धन प्राण कबे कृपा देहो दर्शाना कि आप मेरे नयन के अभिराम हो, आप मेरी आंखों के संतोष हो और तुम्ही मोरा धन प्राण हो, मेरा धन भी आप ही हो और मेरे प्राण भी आप ही हो। ये तो मैं ऊपर से बोलती हूँ, वैसे ऐसा नहीं है। तो जो मैंने पहले बोला इसको आप मत सुनिए, अभी जो बोला वो सुने और फिर से कृपा करके दर्शन दे दीजिए। अब क्या होता है, जो मैंने आगे का मैंने वो बोला था श्लोक, स्तंभ कंप प्रश्न वेद। फिर ऐसे महाप्रभु विरह में जैसे ये खंभा होता है ना स्तंभ, उस तरीके से महाप्रभु हो जाते हैं स्तंभ की तरह हिलते, मतलब लाइक अ स्टैच्यू। फिर कंप धीरे धीरे वो ऐसे कांपने लगते हैं और प्रश्नी वेद पसीने छूटने लगते हैं। हमारी तरह पसीने नहीं छूटते, ऐसे पसीने छूटते हैं कि लगता है कि इन्होंने नहा लिया और इनके आसपास जो बैठा है वो भी उस जल से नहा सकता है। वैवर्ण्य उनके शरीर का रंग बदलने लगता है, फीका पड़ने लगता है, अश्रु और आंखों में से अश्रु बहते हैं, ऐसे नहीं बहते, ऐसे बहते हैं। कैसे बहते हैं वो, जब महाप्रभु रोएंगे तो वो ऐसे रोएंगे। स्वर भेद उनको कृष्णा जब मतलब उनका आवाज ही बदल जाएगा और देह जाए पुलक के व्यापी, जितना भी रोम है बाल है शरीर पे सब 90 डिग्री पे खड़े हो जाएंगे। फिर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगेंगे अचानक
और फिर से उनको कुछ याद आ गया कृष्ण का, तो वो जोर जोर से अचानक रोने लगेंगे, कभी हंसेंगे कभी फिर जोर जोर से रोएंगे कृष्ण की याद में, क्योंकि उनको कुछ याद आ रहा है। कुछ याद आ गया तो हंसने लगेंगे, कुछ याद आ गया तो फिर वो रोने लगे और जोर जोर से फिर वो कुछ गाने लगेंगे कृष्ण के बारे में, और फिर वो पागलों की, तो, की तरह फिर वो उद्दंड नाचने लगेंगे, गाते गाते नाचने लगेंगे, और फिर जब सहा नहीं जाएगा तो इधर उधर भागने लगेंगे जोर जोर से कृष्णा कृष्णा चिल्लाते हुए। कैन यू इमेजिन, ये क्या है ये है? और फिर जब जब वो वीरा झेला ही नहीं जाता तो क्या करे, तो फिर शरीर क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, तो वो भूमि पे वो मूर्छित होके गिर जाता है। फिर उनको सपने में भगवान श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त होता है, जब वो मूर्छित होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त होता है, तो इतना प्रेम है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये श्याम सुंदर है, कि क्या सचमुच मैं इतना लायक बन गई कि मेरे सामने श्याम सुंदर आ गए, इतने दयालु हैं क्या सचमुच ये है वो, क्या सचमुच ये है वो, और उसमें वो बेहोशी से वो बाहर आ जाते हैं, तो फिर से श्याम सुंदर चले गए और फिर से ये साइकिल रिपीट होती है और ये चलता ही रहता है 24 घंटा। और फिर सामने कौन बैठे हैं, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। फिर जब चेतन महाप्रभु जब बाह्य चेतना में आते हैं तो वो बोलते हैं क्या तुम दोनों ने कुछ देखा, वो बोला सब देखा, सब झूठ है, मेरे अंदर कोई कृष्ण प्रेम नहीं है। तो फिर वो दोनों हंसने लगते हैं, तो चेतन महाप्रभु बोले कि मैं आप दोनों को साबित कर सकता हूं कि मैं जो कर रहा हूं ये पाखंड है, मेरे को कृष्ण प्रेम नहीं है। तो फिर ये दोनों बोलते करो, क्या करोगे साबित, ये दिख रहा है ये, और चैतन्य महाप्रभु साबित कर देते हैं। जानना है कैसे, चैतन्य महाप्रभु बोले नजदीकी भविष्य में मेरे को कृष्ण का मेरा कृष्ण के साथ मिलन हो इसका कोई संभावना मेरे को दिखता नहीं, फिर भी मैं इस शरीर को पोषण दे रहा हूं, तो कौन से सुख के लिए मैं अभी भी जिंदा हूं, मैंने बहुत पहले अपने प्राण क्यों नहीं छोड़ दिए, मैं जिंदा हूं कृष्ण के विरह में, मतलब मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मैं तो कामुक हूं, मैं इस शरीर को पोषण देने के लिए अभी भी मैं कौन से सुख के लिए मैं जिंदा हूं। फिर वो दोनों कुछ बोल नहीं पाते और फिर महाप्रभु शुरू करते हैं, तो वो ऐसे वो ये पूरा अध्याय जाता है, ये केवल मैंने वो ग्लिम्स दिया, वो होता है ना कि वो मिठाई की दुकान पे थोड़ा मिठाई चख लीजिए, और आगे ये तो महाप्रभु का एक्सटेसी, इसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक्सटेसी आता है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा श्लोक है कि हाय शायद मैं ठीक से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कौन इसको लिख पाएगा है, मैं जो लिख रहा हूँ क्या वो मैच करेगा चैतन्य महाप्रभु के भाव को, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा का तो मैं इच्छुक हूँ, चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु और उनके जो सब पार्षद है उनके चरण मैं अपने सिर पे लेके मैं नाचता हूँ, और 6 गोस्वामियों के चरणों की धूल मेरे मस्तक का आभूषण है, और ये लास्ट के 2-3 श्लोक है इस अध्याय के, और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं कि ये तो मैंने समरी लिखा, एक इच्छा है, अपना शरीर देख के लगता है कि मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने ये मेरे को लिखना है अंत्य लीला में, तो आप कृपा करके अगर आप चाहते हैं तो आपके गुणगान के लिए मेरे को ये लिखने देना, मेरे जी भर के मेरे को इसको लिखना है और इसको पीना है, और वो जो दैन्य में जो लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ओह सो ये हमारा संप्रदाय है। तो अभी हम एक श्लोक पढ़ते हैं भागवतम से, ये सन्यास का श्लोक है, जब हमारे इस्कॉन में किसी का सन्यास होता है तो इस तो ये श्लोक पढ़ा जाता है। आप ऐसे किसको सन्यास लेना है,
अब आपके लिए एक खुशखबरी है कि सन्यास का डेफिनेशन भगवान श्री कृष्ण और प्रभुपाद क्या देते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। कुछ छोड़ना नहीं है। क्या छोड़ना है? कि कृष्ण के अलावा मेरा कोई आधार नहीं है, कृष्ण के अलावा मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूं। तो जिसके अंदर ये भाव आ गया वही सन्यासी है। बोल हरि बोल। तो आप घर पे रहके भी आप सन्यासी हो सकते हो और कोई मंदिर में रहके भी। समझ में आ रहा है? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, ये 6.1 है, ये आप पढ़ सकते हो। ये सन्यास है कि ही इज अटैच्ड, ही इज नॉट, वो किसी चीज से आसक्त नहीं है, केवल वो कृष्ण से आसक्त है और वो सारी चीजें उसके पास है, वो केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही है। ये सन्यासी, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, किसके लिए है वो? नित्य गौर सुंदर की सेवा के लिए। लेकिन ये भाव है, इसमें वो 24 घंटा अपने शरीर और मन की इंद्रिय तृप्ति के लिए वो प्रयास करेगा ही नहीं 24 घंटा। ये सन्यास है। ओके, तो क्या है सन्यास? मंत्र 11, 23, 57, 11, 23, 57 जानना चाहते हैं? एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमेर्महर्षिभिः अहम् तरिष्यामि दुरंत पारम् तमो मुकुंदांग्रि निषेवयैव। अहम् तरिष्यामि दुरंत पारम्, जो आत्मा, हम सब आत्मा है, जो माया से, माया की लात खा खा के, जो अभी समझ गई आत्मा कि केवल कृष्ण के चरणों में ही मेरी गति है, और फिर वो ठान लेती है वो आत्मा कि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, कि ये दुरंत पारम तमो, कि ये इतना भयानक, ये माया का जो झाल है, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो भवसागर है, ये इतना भयानक है और मैं इतनी छोटी हूं, लेकिन आज मैंने तय कर लिया कि आज से लेके अपने अंतिम सांस तक हर सांस इस सागर को पार करने में लगा दूंगी। ये सन्यास है। और ये कैसे होता है? तमो मुकुंदांग्री निषेव यही वा, मुकुंद के चरणों की सेवा, जो 24 घंटा अपने मन वाणी और कर्म वो केवल कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वो इस भवसागर को तर जाता है। ओके, करेंगे, पार करेंगे, दूसरी बार इधर नहीं आना है। किसी को आना है तो फिर सन्यासी बनना पड़ेगा, माताओं को भी बनना पड़ेगा। सन्यासी एक मानसिकता है, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य। महाप्रभु बताते हैं कि निष्किंचन भक्त कौन है, कि ये निष्किंचन एक मेंटालिटी है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे केवल एक ही है, कौन? गिरिधारी गोपाल, और दूजाना कोई। तो और इसमें इसलिए हमको अवसरवादी होना चाहिए, जैसे कि ये अधिक मास है तो ये एक अवसर है कि ये हमारी भक्ति को बढ़ा सकता है। ये हमने आगे जो हमने प्रेम का हमने जो वर्णन सुना, तो ये प्रेम को अगर अगर आत्मा को प्राप्त करना है तो ये अधिक मास बहुत ही पावरफुल है। पद्म पुराण में, नारदीय पुराण में और स्कंद पुराण में अधिक मास का वर्णन आता है। मैं केवल 5 मिनट बोलूंगा, डोंट वरी। सूर्य अपना ऑर्बिट पूरा करता है 365.25 डेज में और चंद्र पूरा करता है 354 डेज में, तो वो गैप पड़ता है 11 दिन और 6 घंटा। तो इसीलिए हर 2 साल 8 महीना 16 दिन और 4 घंटे के बाद एक अधिक मास पड़ता है, और ये अधिक मास कार्तिक से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। शास्त्र बताते हैं कि इसमें हम जो भी भक्ति का कार्य करते हैं उसका 1 करोड़ गुना फल मिलता है। मतलब कृष्ण कृष्ण 1 करोड़ बार बोलो, या इस महीने में 1 बार कृष्ण बोलो, तो फिर बोल लेना चाहिए अगर अहम तरिष्यामि दुरंत पारम।
और इसका एक इसका भी बहुत अच्छा कथा भी है, लेकिन 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 वो हम स्किप करते हैं। इसकी क्या महिमा है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण में से मैंने पांच चीजें ली है, हमने ली है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास होता है, तो जिसने वो पुरुषोत्तम मास के व्रत को किया, तो मेरे पास जितना आशीर्वाद है वो सब मैं उसको दे देता हूं बेहिजक। और जो उसको करता है उसका सब सारे पाप कर्म के फल नष्ट हो जाते हैं, और उसको मेरा शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है, और वो इस जन्म के बाद वो गोलोक वृंदावन को मेरे पास वापस आ जाता है। और ऐसा केवल कृष्ण नहीं बोलते, दूसरी जगह पे दुर्वासा मुनि भी बोलते हैं कि देखो पुरुषोत्तम मास में, पूरे मास में कम से कम एक बार किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, और उसमें अगर स्नान करते हैं तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और क्या फल प्राप्त होगा कि बहुत दान दिया है और बहुत भगवान के नाम का जप किया है और सारे दुख नष्ट होके उसकी सारी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं इसी जन्म में पूर्ण हो जाएगी। बोलो हरि बोल, हरि बोल। ये बोले दुर्वासा मुनि। अब वाल्मीकि जी क्या बोले, दुर्वासा मुनि बोले जस्ट बाय बाथिंग इन अ होली रिवर ड्यूरिंग पुरुषोत्तम मंथ। ऐसा नहीं बोले कि कम से कम एक बार स्नान करो, ये तो मैंने ऐड किया, तो कुछ ऐड नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ये मेरा तात्पर्य था। दुर्वासा मुनि एग्जैक्ट क्या बोले कि केवल किसी पवित्र नदी में स्नान करने से, ऐसे पता है। और वाल्मीकि जी बोले कि जो पुरुषोत्तम व्रत करते हैं उनके शरीर में सारे तीर्थ स्थान प्रवेश कर जाते हैं और उनको इतना फल प्राप्त होता है कि वो निश्चित है कि वो इस जन्म में गोलोक वृंदावन को जाते हैं। फिर नारद मुनि बताए कि सबसे बेस्ट मंथ है पुरुषोत्तम, जो इसकी महिमा को सुनता है, कृष्ण भक्ति करता है, उसको इतना सुकृति प्राप्त होता है कि जो असीमित है, जो गिना नहीं जा सकता, इसलिए उसमें क्या डाउट है कि वो इस जन्म के बाद आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करेगा। और नैमिषारण्य के भी ऋषिगण बताते हैं कि एक भक्त के जिंदगी में जो कल्प वृक्ष है, अगर वो पुरुषोत्तम मास करता है तो पुरुषोत्तम मास एक भक्त के लिए कल्प वृक्ष का काम करेगा, और उसका और पुरुषोत्तम मास इतना आध्यात्मिक उन्नति देता है कि हमने जितना भी अपराध किया होगा तो कृष्ण उनको भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास कैसे करना चाहिए, ये तो अभी हम सब कर ही रहे हैं, बस कुछ मैंने पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं। एक तो कि उपवास करते हैं, है ना, और लेकिन वो क्यों करते हैं, केवल ये प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप 16 नहीं करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत कठोरता से इस महीने में करना चाहिए, और हर रोज सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए और तुलसी महारानी को जल देना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। इस महीने में 3 के बजाय 4 परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी महारानी की और भगवान की। और दिया ऑफर करना चाहिए, तो अभी दीपदान का प्रोग्राम है, राधा कृष्ण गौर निताई और भगवान और गुरु मतलब प्रभुपाद जी को 4, 2, 3 और 7 के रूप में, 4 चरण में, 2 नाभि, 3 मुख कमल और 7 पूरा विग्रह, ऐसे दीप ऑफर करना चाहिए। भागवतम का 10वें स्कंद का 14वां अध्याय, भगवान श्री ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, और 15वां अध्याय भगवद गीता का, ये पढ़ना चाहिए इस महीने में। प्रतिदिन जगन्नाथ अष्टकम और चौर अग्रगणी अष्टकम पढ़ना चाहिए। तुलसी जी भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करना चाहिए, भगवान राधा कृष्ण को
फूल अर्पण करना चाहिए। यहां पे आ गया देखो, कम से कम इस महीने में एक बार किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इसमें ना कि ऐसे ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर अगर इन इनपुट होगा तो आउटपुट आएगा ना। और जितना ज्यादा हो सके तो मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किसी का निंदा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई सांसारिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। और भगवान और उनके उनके भक्तों की जितनी हो सके उतना सेवा करना चाहिए। और यथाशक्ति विष्णु या कृष्ण मंदिर में और वैष्णवों की सेवा के लिए दान करना चाहिए। और दूसरे श्रद्धालु लोगों को इस महिमा की कथा और व्रत बताने के बारे में बताना चाहिए। That's it. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मुझे टॉपिक लेना था क्षमा के ऊपर।